सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप फोर बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 9000। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हो बजट में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले है। तो वीडियो को फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ये आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A40। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Exynos 1330 5G चिपसेट, जो 5 NM पे बेस्ड है। ये काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों, रैम रोम में यहाँ पे आपको बेस वेरियंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरियंट है जहाँ पे आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। पर आपको इस मोबाइल के साथ एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल के साथ। और दोस्तों, इस डिवाइस में सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको Android 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ UI Core 5.0 वर्जन होगा इसकी OS का। तो दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। और दोस्तों, उसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 13,500 है। दोस्तों, आप अगर कोई भी सेल पे इस मोबाइल को बाय करते हो, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट की प्राइस 11,000 के आसपास आ जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए एक डिवाइस 5G वाला, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो, काफी शानदार सा ये मोबाइल है। ये डिवाइस आता है पोको की तरफ से, पोको M4 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले बात कर लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कैमरा मॉडल के आसपास आपको ब्लैक कलर की एरिया देखने को मिलेगा, जैसे हर पोको की डिवाइस पे मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको पोको की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। वहीं पे इस डिवाइस की वेट 200 ग्राम होने वाले, डिवाइस थोड़ा सा हैवी होगा। डिवाइस की फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बैक भी प्लास्टिक का होने वाला है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो काफी अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, और दोस्तों 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। और दोस्तों, इस डिस्प्ले पे आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले पे आपको मिलने वाला है 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन 20:9 रेशो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसकी कैमरा भी काफी अच्छा है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और फोटो की क्वालिटी डिसेंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 700 5G चिपसेट, जो 7 NM पे बेस है, और ये एक 5G चिपसेट है। तो दोस्तों, डिवाइस 5G होने वाला है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 7 5G बैंड भी देखने को मिलेगा, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB 64GB 6GB 128GB। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और एक इस डिवाइस की काफी अच्छी बात है, ये डिवाइस आने वाले IP52 की रेटिंग के साथ, जिसकी मदद से ये डिवाइस वाटर और डस्ट प्रूफ भी होने वाला है।
तो दोस्तों इंफो का इसके सभी फीचर, तो आप बात कर रहे थे इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस करंट टाइम पे 8,999 मतलब 9,000 है, पर आप आपको कोई भी सेल आता है तो 500 या फिर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाते हैं। डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 8,000 या फिर 8,500 तक आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। डिवाइस थोड़ा सा पुराना है पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी भी काफी अच्छे अच्छे फीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6 जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जब आपको 600 नीट पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08 MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की स्पर्शों में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियंट ब्लू। मुझे जो ओरियंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसके सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में, तो इसके करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस तो भी आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते। दोस्तों ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा ब्लेज 2 5G। तो एक एक करके इसकी सभी स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन, तो लुक वाइज ये डिवाइस काफी प्रीमियम सा होने वाला है। और जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो भी काफी यूनिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंचेस का HD प्लस IPS डिस्प्ले, जिसकी रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज की होने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपके कैमरा सेटअप की तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा, और उसके साथ साथ 0.3 MP का एक लेंस भी मिल जाएगा। और दोस्तों आप मेन कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों आप बात कर लीजिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 8 5G बैंड देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे 8 5G बैंड काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB प्लस 3GB रैम मिलेगा, जब 3GB वर्चुअल रैम होगा। उसके साथ साथ UFS 2.2 टाइप के 128GB का रोम मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। आदर्श कुछ यूनिक फीचर के बारे में बात करें तो इस मोबाइल से आप यूट्यूब को बैकग्राउंड पे चला सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो एनोनमस कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज कर सकते हो। ये दो फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर, तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो प्राइस वो 9300 है, पर सेल पे 8500 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो 8500 पे 5G मोबाइल काफी अच्छी बात है, मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3 Lite 5G, जो बजट सेगमेंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है।
तो दोस्तों सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बारे में बात करें तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 185 ग्राम, डिवाइस काफी हल्का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाले IP64 की रेटिंग भी, तो डिवाइस वाटरप्रूफ भी होने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.56 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले है। उसके साथ साथ 840 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 720x1612 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको हाई पीक ब्राइटनेस और 90Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो डिस्प्ले काफी स्मूथ होने वाला है, कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होगा ये। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, उससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी कैमरा के फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है और इसके Antutu स्कोर 414,000 से ऊपर है। तो आप समझ सकते हो काफी पावरफुल सा एक बजट डिवाइस होने वाला है। इस डिवाइस पे आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर सकते हो। रैम रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, 4GB 128GB 6GB 128GB। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाले जहाँ पे 15W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। पर दोस्तों इस डिवाइस के साथ आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों सिर्फ केबल ही मिलने वाले, एडाप्टर नहीं मिलेगा, एडाप्टर आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। तो ये इस डिवाइस का एक बैकलॉग है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा। डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो 4GB 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस इंडियन मार्केट पे अभी 10,500 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ 6GB 128GB की जो प्राइस है वो 11,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।